समय की बात है किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे सेठ भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा करता था वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था एक बार भगवान गणेश जी रूप बदल कर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे बहुत भूख लगी है कुछ खा लेता हूँ ये तो उसी सेठ का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है भूख बहुत जोरों की लगी है गेहूं के कुछ दाने तोड़कर खा लेता हूँ गणेश जी ने सेठ के खेत से गेहूं के बारह दाने तोड़कर खा लिए फिर उन्होंने सोचा, अ, मैंने ये कैसी भूल कर दी मैंने सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए ये तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयं भोगना होगा गणेश जी ने एक साधारण लड़के का रूप धारण कर लिया और फिर सेठ के पास पहुँचे नमस्ते सेठ जी मेरा नाम गणेशा है मुझे कोई काम मिलेगा मैं बड़ी दूर से आया हूँ यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी गणेशा मैं तुझे काम तो दे देता पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है मैं तुझे तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा हाँ मेरे पास तुझे दो वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी ठीक है सेठ जी मैं सारा काम कर लूंगा आप चिंता मत करो धीरे धीरे गणेश जी नौकर के रूप में सेठ के घर नौकरी करने लगे वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे जिससे सेठ बहुत खुश था एक दिन सेठानी जब शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश जी ने सेठानी को टोका सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच्छ नहीं होते इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगह मिट्टी से धोया करिए तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं अभी तेरी शिकायत से करती हूँ सुनो जी मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूं। क्या ये बात सही है गणेशा बात तो तू सही कह रहा है जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते ये गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है हमारा भला सोचता है सुनो जी कल मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है तुम चलोगे साथ कल्याणी कल तुम एक काम करो कल गणेशा के साथ ही चली जाना मुझे दुकान पर काम है आप चिंता मत करो मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा और अच्छे से गंगा स्नान करवाऊंगा अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंचती है सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही थी गणेश जी वहाँ गए और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगाकर वापस किनारे पर ले आए इस पर सेठानी जी बहुत गुस्सा हुई उन्होंने गणेशा से कहा गणेशा ये तुमने क्या किया मैं किनारे पर बैठ कर ही स्नान करना चाहती थी मुझे डुबकी नहीं लगानी थी सेठानी जी जब तक गंगा स्नान में गंगा जी में डुबकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती गंगा स्नान तो डुबकी लगाकर ही पूर्ण होता है मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया सेठ जी आप ही बताइए। जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं होता मैं सही कह रहा हूँ ना अब किनारे पर बैठकर स्नान करने का क्या फायदा ये गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है गणेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था गणेशा के आ जाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था एक दिन सेठ ने घर में पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गणेशा से कहा गणेशा जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ पूजा का समय हो रहा है हमें मंदिर निकलना है ठीक है सेठ जी मैं अभी सेठानी जी को बुलाकर लाता हूँ गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है अरे सेठानी जी आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है आप पूजा में काली साड़ी ना पहनकर लाल रंग की साड़ी पहन लो पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है मैं काली साड़ी ही पहनूंगी अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ मैं दोबारा तैयार नहीं हूँ और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो मैं अभी सेठ जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ सेठानी सेठ के पास जाती है और सारी बात बताती है ये बातें हमें याद नहीं रहती गणेशा ठीक ही कह रहा है पूजा कार्य में लाल रंग सचमुच शुभ माना जाता है एक काम करो तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ यह गणेशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन सेठ ने घर में गणेश पूजन का आयोजन किया हुआ था गणेशा मूर्ति के स्थान पर बैठ जाता है ये देखकर सेठ को गुस्सा आ जाता है गणेशा ये कहाँ की समझदारी है मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो जहां गणेश जी की मूर्ति का स्थान है अच्छा फिर तो मैं बिल्कुल सही स्थान पर बैठा हूँ देखते ही देखते गणेश भगवान गणेश के रूप में आ जाते हैं प्रभु आप आप स्वयं एक नौकर के रूप में हमसे हम बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभु हम आपको पहचान नहीं पाए हमें एक क्षमा कर दो भगवान हे प्रभु मैंने ना जाने आपको नौकर समझकर कितना कुछ कह दिया मुझे क्षमा कर दो प्रभु तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के बारह दाने चुरा खा थे। लिए थे इसीलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा तुम्हारे घर में धन वैभव समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होगी इतना कहकर भगवान गणेश अंतर ध्यान हो जाते हैं उस दिन के 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 बाद से सेठ घर में खुशियों भंडार रहते हैं। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया और वो माँ पार्वती के पास गए और बोले माता मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ ठीक है पुत्र गणेश जैसा तुम उचित समझो पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूँ बाल गणेश को तो लीला धरनी थी इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे वो साथ ही साथ आवाज लगाते चले जा रहे थे अ, मेरे पास ये दूध और चावल है क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा कोई भी बाल गणेश ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है <laughs> हाँ भैया तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी चावल लिए घूम रहा है भला इसकी खीर कैसे बनेगी गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते जा रहे थे पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था सुबह से शाम हो गई गणेश जी लगातार घूमते रहे अरे मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं अब क्या करूं? तभी वहाँ एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कोई मेरी खीर बना दे कोई तो मेरी खीर बना दे मेरे पास ये दूध और चावल हैं। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी उसने गणेश जी से कहा बेटा ला इधर ला खीर का सामान मैं तेरी खीर बना देती हूँ माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ ठीक है बेटा रुक मैं अभी बर्तन लेकर आई बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी के बाहर आई तो गणेश जी ने कहा माई ये बर्तन छोटा है अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेके आओ बेटा बड़ा बर्तन क्या करेगा जरा से तो दूध और चावल है अच्छा रुक लाती हूँ बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई पर उसने कहा चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीली में उड़ेलना शुरू किया तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही ये क्या चमत्कार है प्रभु कुछ समझ नहीं आ रहा बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है एक के बाद एक वो सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए इसके पश्चात गणेश जी बुढ़िया से बोले माए मैं स्नान करके आता हूँ तब तक तुम खीर बना लो मैं वापस आकर खाऊंगा बेटा इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल भला मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी माई आज तुम सारे गांव को दावत दे दो मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ के खीर का स्वाद पूरा गांव चखे ठीक है बेटा मैं गांव वालों को न्योता दे देती हूँ बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई खीर बनाने के बाद वो हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी आज मेरे घर खीर का प्रसाद बनेगा आप सब चखने जरूर आना अम्मा तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक है अम्मा हम आ जाएंगे लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और ये सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है <laughs> चलो चलकर देखते हैं भाई कौन सी खीर बुढ़िया माई खिलाने वाली है चलो चलो धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी लोग खीर की खुशबू से खींचे चले आ रहे थे सारा गांव बुढ़िया के घर में इकट्ठा हो गया जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई तब वो बुढ़िया के पास वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कैसे आहा, आहा, पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह मन कर रहा है बस जल्दी से इस खीर को खा लू बहुत जोरों की भूख भी लगी है खीर को देखकर सुमन के मुंह में पानी भर आया एक कटोरी में खीर निकाल कर वो दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी इसी बीच खीर कटोरी में डालते हुए कुछ बूंदे नीचे गिर गई और गणपति जी को भूख लग गया वो प्रसन्न हो गए अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा अरे बेटा तू आ गया स्नान करके खीर तैयार है चल बेटा मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देती हूँ माई भोग तो लग चुका है तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग दे दिया मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है मैं तृप्त हूँ अब तू खा अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला पर बेटा ये तो बहुत ज्यादा खीर है सबका पेट भर जाएगा इसके बाद भी ये बच जाएगी उस बची खीर का मैं क्या करूंगी? माई जो भी बची खीर होगी उसे रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य प्राप्त होगा ये कहकर मानो वो बालक न जाने कहाँ गायब हो गया इतनी देर में गाँव वाले भी आ गए बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके सब गाँव वालों को खीर का प्रसाद बांटा जब सारा गांव जी भर कर खीर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई ये खीर बच गई इसे चारों कोनों में रख देती हूँ अगली सुबह बुढ़िया जब सोकर उठी हे गणेश हे गजानन, गणपति महाराज ये मैं क्या देख रही हूँ पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए हैं विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में स्वयं आप ही आए थे आप तो मेरे जीवन के बारे न्यारे कर गए प्रभु बुढ़िया को दयालुता का फल मिल गया उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वो आराम से रहने लगी बुढ़िया ने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मानने के लिए आने लगे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सुखकर्ता कहा गया है वो अपने भक्तों के जीवन की सारी कठिनाइयों को दूर करके सुख शांति समृद्धि और वैभव प्रदान करते हैं